लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। जनपद फिरोजाबाद जिले को कोरोना मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने मुहिम शुरू कर दी है। जी हां, अब गांव और नगर में टीम लोगों को जागरूक कर इस महामारी से बचाव के उपाय बता रही है और साथ ही माइक के जरिए लोगों को शारीरिक दूरी का पालन करने और मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बता दें, डीएम चंद्रविजय सिंह ने नगला बीच में जागरूकता अभियान चलाया और उन्होंने ग्रामीणों और दुकानदारों को प्रेरित करते हुए कहा कि इस महामारी से तभी बचा जा सकता है जब सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। कोरोना को हराने के लिए शारीरिक दूरी और मास्क बनाना अनिवार्य है। अनलॉक की प्रक्रिया लागू होने के बाद बाजार खुल गए हैं, ऐसे में हम सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। एसडीएम एकता सिंह ने कहा कि सुरक्षा ही बचाव है, इसलिए आप स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा करें। जिला कोविड 19 कैंपेनर हेमंत उपाध्याय ने भी लोगों को बचाव के उपाय बताए और इस मौके पर सीओ अजय चौहान समेत तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। क्योंकि वायरस है, इतना छोटा है कि आप उसको कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना छोटा होता है, और एक छोटी सी छींक की एक बूंद में भी करोड़ों वायरस होते हैं। तो जब वो आप कोई छींकता है या खांसता है तो वो कुछ उसको हवा में फैलाता है, तो कुछ मीटर तक उसका जाता है, और अगर सभी लोगों ने उससे दूरी बनाए रखी है तो कुछ देर के बाद वो सबसाइड हो जाएगा। मतलब वो जो हवा में फैला है तो 10-15 मिनट आधा घंटे के बाद वो गांव के हैं, ये दुकानदारी कर रहा है, उसके लिए मैंडेटरी मास्क लगाना है। मास्क भी कलेक्ट करता है व्यापारी, एक आदमी मास्क नहीं लगा रहा, कितनी गलत बात है। और आप स्वामी भी तब बांधने जब आपको प्रशासन डीएम साहब उतरे हुए हैं। फिर तगड़ी है, फिर क्यों नहीं समझ रहे? छोटे छोटे बच्चे आपने बैठा रखे हैं, एक भी संक्रमित हो गया आपको जान मालूम है? 10 वर्ष से नहीं हुआ, दोबारा और भी नहीं हुआ, सील करवा देंगे दुकान 2 महीने के लिए। कवर कर दिए हम लोग, तो प्रतिदिन कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक मैसेज पहुंचा सके। एक बात है जो मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगी, एक यहाँ पे जो ग्रामवासी और ये माना है कि अब तक ये वायरस, हम लोग सोच लेते हैं कि ड्रॉपलेट्स केवल गिरते हैं, टच में आते हैं तभी होता है, मगर अब ऐसा नहीं है, अभी एयर में भी है। मान लीजिए मैंने अभी यहाँ स्नीज किया, छींका, तो ये उसके ड्रॉपलेट्स 30 मिनट तक, 5 माइक्रोन का इसका एक ड्रॉपलेट है, इतना हल्का है कि हवा से भी ज्यादा हल्का है, और एक बार में छींकने के बाद या बोलने के बाद करोड़ों निकलते हैं। इसकी संख्या एक गाइडलाइन और एक WHO ने बताया है, वो जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक लोग इसमें जागरूक नहीं थे। लोग क्या सोच रहे थे कि हम किसी चीज के छूने से ही सिर्फ संक्रमण फैल रहा है। संक्रमण छूने से नहीं फैल रहा, संक्रमण अब हम हवा में भी कह सकते हैं कि हवा में भी फैल रहा है। इसीलिए मास्क लगाना अति अनिवार्य है। मास्क से ही आप अपने आप को बचा सकते हैं और दूसरे को बचा सकते हैं। इत्तफाक से आप संक्रमित हैं और आपने मास्क लगाया हुआ है, आपने छींका या बोला, बोलने के बाद भी आप सर्दियों में देखते होंगे हमारे अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सभी को इस बात को समझना पड़ेगा। 14 पॉइंट जो सरकार ने बना के आपको, गवर्नमेंट ने दिए हैं, डीएम साहब ने बना के दिए हैं, इनको पालन करिए और पालन करवाइए। आप लोग जगह जगह गली गली मोहल्ले में जाकर आशाएं और आपके NM जो भी लोग हैं, सारे लोग जाके इनको आगे बताइए, इनको आगे फैलाइए, इनको बताइए आप कैसे बचना है। आपका एक ही संकल्प होना चाहिए कि हमें फिरोजाबाद को कोरोना मुक्त रखना है। बाकी कोई भी और ऐसा क्वेश्चन आपके किसी के दिमाग में आए तो आप हम लोगों से करेंगे। मैं डीएम साहब से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द इस संबंध में बोले। जाके जो आशा है, आंगनवाड़ी है, टीम्स बनी हुई है, वो चेक कर रही है, पता कर रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो, जिसको शुगर हो, टीबी हो, इस तरीके की कोई बीमारी हो, उन लोगों को हम उनके नाम अलग से नोट कर रहे हैं। साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सिम्टम्स हो, उनके
उनके भी नाम हम दर्ज कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए, उसके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो संक्रमित होने के जिनको चांसेस ज्यादा है। और सर ने ये फेस मास्क पहनना है, साबुन हाथ से धोना है, ये नहीं कि 100 बार धो लिए एक बार क्या फर्क पड़ रहा है। हो सकता है उसी बार आपका हाथ में टच हो चुका हो, वो दिखता नहीं कोरोना वायरस, हो सकता है उसी बार टच हो चुका हो और आपके हाथ के माध्यम से आपके शरीर में चला जाए। तो जो बातें सर ने बताई हैं उनका अच्छा सा 100% पालन करें, बस इसी के साथ सभी का धन्यवाद। और बाकी फाइन ये है कि अब 500 रुपये हो गया COVID-19 का, जो है जो फेस मास्क नहीं पहनते 100 रुपये था, अब 500 रुपये हो गया। सिर्फ इसलिए हो गया कि कुछ लोग उस चीज को महत्व नहीं समझ रहे, सोचते हैं कि 100 रुपये कम है तो चलो दे देंगे, इसलिए 500 रुपये हो गया। और रात में भी जो 10 से 5 का कर्फ्यू का टाइम है, उसके अगर आप अनावश्यक घूमते हैं यानी अनिवार्य कार्य से घूमते हैं, जैसे हॉस्पिटल जाना है, इस तरह की कोई अनिवार्य स्थिति है, उसको छोड़ के आपको उसमें भी 500 रुपये तक का जुर्माना है। तो इसलिए इनका पालन कीजिए, और रोज प्रतिदिन चालान हो रहे हैं हर चौराहे पर और हर जगह टीम लगी रहती है, रात के लिए भी स्पेशल टीम लगी रहती है। गाइडलाइन और एक WHO ने बताया है, वो जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक लोग इसमें जागरूक नहीं थे। लोग क्या सोच रहे थे कि हम किसी चीज के छूने से ही सिर्फ संक्रमण फैल रहा है, संक्रमण छूने से नहीं फैल रहा, संक्रमण अब हम हवा में भी कह सकते हैं कि हवा में भी फैल रहा है। इसीलिए मास्क लगाना अति अनिवार्य है, मास्क से ही आप अपने आप को बचा सकते हैं और दूसरे को बचा सकते हैं। इत्तफाक से आप संक्रमित हैं और आपने मास्क लगाया हुआ है, आपने छींका या बोला, बोलने के बाद भी आप सर्दियों में देखते होंगे हमारे किस तरीके का अभियान है सर, क्या मामला है? ये जिला प्रशासन का कोरोना मुक्त जागरूकता अभियान है, जिसके तहत जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि पूरे फिरोजाबाद को हम कोरोना मुक्त करें। इसके तहत हम गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर जाकर लोगों को समझा रहे हैं। 14 पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिला प्रशासन ने, उन 14 पॉइंट्स को लोगों को समझाते हैं, उनको बताते हैं कि इस कोरोना से बचने का क्या उपाय है, कैसे आपको बचना है। यदि किसी का प्रश्न होता है तो उन प्रश्नों के जवाब भी दिए जाते हैं। कोरोना से बचाव जो है वो लोगों के जागरूक होना बहुत जरूरी है, कोरोना से बचने का। हम लोग बहुत पहले से पैम्पलेट के माध्यम से और लाउड स्पीकर के माध्यम से भी मार्केट्स में, कस्बों में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे SDM और हमारे कुछ वॉलंटियर हैं जो इस काम में लगे हैं, वो लगातार लोगों को समझा रहे हैं। और चीज़ का फर्क भी पड़ रहा है कि लोग मास्क लगाने, मास्क की जागरूकता काफ़ी आई है, और ज़्यादा लोग जो नहीं लगा रहे हैं तो उनको भी हम लोग काफ़ी उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो भी करें, और उसका भी कोरोना से बचाव के लिए कारगर चीज़ है। और जैसा कि गवर्नमेंट के भी निर्देश हैं, सभी लोगों को जागरूक करने के लिए हम एक अभियान हमने चलाया है। लगभग 2 लाख पैम्पलेट से ज़्यादा हम लोग ग्रामीण में और अर्बन एरिया में बांट चुके हैं, लोगों को घर घर परिवार में पहुंचा चुके हैं। उसमें कोरोना से बचाव के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो उनका वो सब लिखा हुआ है, उनको बताया भी जा रहा है, और ये सब चीज़ें हैं जिनको प्रचारित करें। सर, ये जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके 500 रुपये का जुर्माना है। लेकिन हम लोग एक और शुरुआत करने जा रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस के माध्यम से अलग अलग तहसील में या अर्बन एरिया में एक कोरोना जागरूकता प्रशिक्षण केंद्र हम लोग स्थापित करेंगे, एक सेंटर जहाँ पे लोगों को 4 से 6 घंटे तक प्रशिक्षित किया जाएगा कि कैसे कोरोना क्या चीज़ है, कोरोना से कैसे बचाव करना है, क्या उनको खतरा है, ये पूरा डिटेल में उन लोगों को समझाया जाएगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है लगाएंगे उनको 3 से 4 घंटे कोरोना के बारे में पढ़ाया जाएगा एक सेंटर में? तो हमारे और जो जानकार लोग हैं डॉक्टर्स की टीम है, वो भी जाके वहाँ पे लोगों को जागरूक करेगी, ऐसे लोगों को जो नहीं समझ रहे हैं कि मास्क कितना ज़रूरी है। और इस पर अभी आज से काम हम लोगों का शुरू हो जाएगा, कुछ सेंटर चालू हो जाएगा। ठीक है।